ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में खींचतान चल ही रही है, और ये तब से जब से नए आईटी रूल्स आए हैं। जिस समय नए आईटी रूल्स आए उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडिया में काम कर रहे हैं, जिनके मिलियंस में यूजर्स इंडिया में हैं, उनसे ये कहा कि आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी इंडिया में अपॉइंट करना होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा, ताकि इंडिया में अगर कभी भी किसी कानून की वायलेशन होती है तो सोशल मीडिया इन प्लेटफॉर्म्स के साथ उसे टेकअप किया जा सके। पहले ट्विटर को नोटिसेस पर नोटिसेस भेजे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, कहते हुए कि आप इन जो कानूनों हैं कानूनों के साथ कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद कंप्लायंस के बाद भी अब ट्विटर ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक केस दायर किया है, जिस केस में उन्होंने जुडिशियल रिव्यू की मांग की है उन ऑर्डर्स की, जिन ऑर्डर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर से कुछ कंटेंट को डिलीट करने के लिए कहा है या कुछ ट्विटर अकाउंट्स को रिमूव करने के लिए कहा है। ट्विटर ने यह कहा है कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए, जो ऑफिशियल्स के द्वारा अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है उसे ध्यान में रखते हुए हमने जुडिशियल रिव्यू की मांग की है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो मामले जिन मामलों में ट्विटर को सरकार ने ये कहा है कि आप ये अकाउंट्स डिलीट करें या ये ट्वीट डिलीट करें, जिनमें कई बार आपने ट्विटर के ऊपर देखा भी होगा कि कई सारे जर्नलिस्ट ने, एक्टिविस्ट ने और इवन पॉलिटिशियंस ने अपने ट्विटर पर आकर मेंशन किया कि उन्हें एक ईमेल आई ट्विटर की तरफ से, जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी इस ट्वीट को डिलीट करने का आदेश दिया है, लेकिन हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए इस ट्वीट को फिलहाल डिलीट नहीं कर रहे। तो ये सारे कई सारे कंप्लायंस के इश्यूज भी बने, जिन कंप्लायंस के इश्यूज को लेकर पहले 6 जून को, उसके बाद 9 जून को और उसके बाद 27 जून को ऑर्डर्स नोटिसेस भी जारी किए गए ट्विटर को कि आप जो सरकारी अध्यादेश है उनका पालन करें। और ये तक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा इस प्लेटफॉर्म को, ट्विटर को, कि अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हैं 4 जुलाई से पहले पहले तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी की जाएंगी। अगर देखा जाए कि कितने ऐसे अकाउंट्स हैं और कितनी ऐसी ट्वीट्स हैं जो इससे इफेक्ट हुए हैं, तो 2021 में ये बताया जा रहा है खबर के मुताबिक कि लगभग 85 ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जिन्हें रिमूव करने के लिए ऑर्डर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे, और साथ ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत और भी कई सारी ट्वीट्स रिमूव करने के आदेश दिए गए थे। इनमें मेनली बताया जा रहा है कि जिस समय फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, ट्विटर का ये कहना है कि उसको लेकर कई सारे ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए और कई सारी ट्वीट्स डिलीट करने के लिए कहा गया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कहा गया कि जिस समय COVID-19 चल रहा था तो पेंडेमिक के दौरान जो ट्वीट्स क्रिटिकल थी गवर्नमेंट की, उन्हें भी मिस इन्फॉर्मेशन मार्क करके डिलीट करने के लिए ट्विटर को कहा गया। खबर के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ट्विटर का एक कहना है कि हम क्योंकि बिलीव नहीं करते कि जो एक्शंस इस तरीके से लिए जाएं जिसमें स्पीच और एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है वो हैम्पर होती है, इस वजह से हमने कई मामलों में कंप्लायंस नहीं भी की, खासतौर पर उन मामलों में जहां पर जो अकाउंट्स थे वो न्यूज़ मीडिया एंटिटीज के थे, जर्नलिस्ट के थे, एक्टिविस्ट के थे या पॉलिटिशियंस के थे। ट्विटर का ये कहना है कि कई बारी ऑपोजिशन के लीडर्स के भी ट्वीट्स डिलीट करने के लिए या उनका ट्विटर अकाउंट डिलीट करने के लिए ऑर्डर आए, लेकिन ऑर्डर के साथ इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। अभी ये बताया जा रहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट में जो केस दायर किया है ट्विटर में, उन्होंने जुडिशियल रिव्यू की मांग की है, लेकिन ये नहीं बताया है कि क्या वो जुडिशियल रिव्यू कुछ सिलेक्ट मामलों का चाहते हैं, यानी कि कुछ सिलेक्ट ट्वीट्स के ऑर्डर्स के लिए चाहते हैं, या फिर ओवरऑल जितने भी ऑर्डर्स अभी तक इशू किए गए हैं उन सभी मामलों में चाहते हैं। जून 2021 में अगर देखा जाए तो सरकार ने लीगली एक्शन लेने को कहा था कि एक कार्टूनिस्ट के खिलाफ भी, उनके ट्विटर अकाउंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा था। उससे पहले देखा जाए तो जिस समय कोविड की वेव चल रही थी तो ट्विटर ने 52 ट्वीट्स को सेंसर किया था सरकार की रिक्वेस्ट पर, जिनको लेकर सरकार का ये कहना था कि ये फेक न्यूज़ है, और इन सभी ट्वीट्स के बारे में कहा जा रहा है कि क्योंकि सरकार जिस तरीके से पेंडेमिक को हैंडल कर रही थी उसके क्रिटिकल ये ट्वीट्स थे, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे ये ट्वीट्स, इसके चलते उन्हें रिमूव करने के लिए कहा गया था। लेकिन एक स्टेटमेंट जो ट्विटर ने पुट आउट किया उसमें उन्होंने कहा कि बिकॉज वी डू नॉट बिलीव दैट द एक्शंस वी हैव बीन डायरेक्टेड टू टेक आर कंसिस्टेंट विद इंडियन लॉ एंड इन कीपिंग विद आवर प्रिंसिपल्स ऑफ डिफेंडिंग प्रोटेक्टेड स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन अकाउंट दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूज एंड मीडिया एंटिटीज, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियंस। टू डू सो वी बिलीव वुड वायलेट देयर फंडामेंटल राइट टू फ्री एक्सप्रेशन अंडर इंडियन लॉ। यानी उनका ये कहना था कि इंडिया का ही जो कानून है जो प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, हम ये मानते हैं कि ये सरकारी ऑर्डर उसके साथ मैच नहीं खाते, उसके साथ मेल नहीं खाते, इसके चलते हमने कोई एक्शन नहीं लिया है। ट्विटर ने पहले भी सरकार की इन रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, जब सरकार ने बार बार ये कहा था ट्विटर को कि आप कंप्लाई करें, लेकिन फिलहाल आज एक खबर के मुताबिक ट्विटर ने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोर्ट में घसीटा है कि अब जुडिशियल रिव्यू होगा उन कुछ ऑर्डर्स का, जिन ऑर्डर्स में ट्विटर को यह कहा गया है कि आप इन ट्वीट्स को डिलीट करें या उन ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करें। पहले भी कई बार ये देखने को मिला कि कुछ ट्विटर अकाउंट्स को जो किसी जर्नलिस्ट के थे या फिर अन्य प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के थे, उन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। लेकिन जब पब्लिक आउटरेज हुई और ट्विटर के ऊपर ही आउटरेज हुई, उसके बाद ट्विटर ने उन कई सारे अकाउंट्स को रिस्टोर भी किया। तो अब यह बताया जा रहा है कि कर्नाटका हाईकोर्ट में इसकी हियरिंग होगी, लेकिन फिलहाल बात यह कि 4 जुलाई तक का समय दिया गया था ट्विटर को कि अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। आज 5 जुलाई है, देखना यह होगा कि ट्विटर का फ्यूचर इंडिया में क्या होगा।